नए उसके ऑफिशियल साइट से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले हम आपको अपने डिजिटल क्लास में स्वागत करते हैं। वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या है टॉपिक्स, बड़ी खबर क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, dlet.nis.ac.in के साइट पर आपको अपडेट हो जाना, यानी कि चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे टीचर्स में, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे सिंपली क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नया टैब बन के यहाँ पर आया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ लिस्ट ऑफ रेफरेंस कैंसिल एंड प्रोसेस ऑफ रिफंड इन सीयर, यानी कि जो भी कैंडिडेट का कैंसिल कर दिया गया है, मतलब जैसे कि आपका जो भी आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें क्या है, बहुत सारा कैंडिडेट को इनरोलमेंट नंबर नहीं पता है, तरह तरह का समस्या के कारण जो है, या तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया। इसी के लिए, इसी के विषय में एनआईएस जो एक नया लिस्ट को जारी किया है, तो इस लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं है आप अपने से चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करना है इसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और किस तरह से चेक किया जाता है, यदि आपका प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपका भी इसमें नाम में जरूर लिस्ट होगा, और आपको हम बताएंगे कि आपको अपना पैसा जो है कैसे वापस आप पा सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ रेफरेंस रिकन्सिलेशन एंड प्रोसेस रिफंड इन सीयर, मतलब इस पर आपको एक क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिंपली एक क्लिक करना, जैसे सिंपली क्लिक कीजिए वैसे एक पीडीएफ को डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ को कैसे चेक करना इसके विषय में चलते, तो हम लोग क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेते। तो यहाँ पर हम जैसे हम लोग क्लिक किए तो डाउनलोड हो चुकी है, तो डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा जो एक पीडीएफ है, यहाँ पर लिखा हुआ नॉट वेरीफाइड, यानी कि जो भी डीएलएड रेफरेंस नंबर कैंसिल एज द, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ डीएलएड रेफरेंस नंबर कैंसिल्ड एज द प्रिंसिपल हैज नॉट वेरीफाइड द रिकॉर्ड, यानी कि जो भी जिसको भी कैंडिडेट का प्रिंसिपल वेरीफिकेशन नहीं हुआ उनका जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस नंबर देखते होंगे, और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर देख रहे हो, यहाँ पर नाम देख रहे हो, यहाँ पर फादर्स नेम। आइए समझते हैं कि रेफरेंस नंबर क्या होता है, इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, नाम क्या होता है, फादर्स नेम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस नंबर के लिए। तो रेफरेंस नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जो आप पेमेंट किए होंगे, तो आप जो पेमेंट किए होंगे तो उस पेमेंट में एक रेफरेंस नंबर आता है, उसी को पेमेंट आईडी भी इसको कहते हैं और रेफरेंस नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह जो रेफरेंस नंबर, यानी कि यह पेमेंट किए होंगे तो उसका एक आईडी जनरेट होता है, उसी को बताया जा रहा है। और इनरोलमेंट नंबर इसलिए नहीं आपको यहाँ पर दिख पा रहा है, आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं दिखाई दे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसीलिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इनरोलमेंट नंबर आपको नहीं दी जाएगी। अब तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर कॉलम बना के आए, यहाँ पर नाम है जैसे आशा बानो, यहाँ पर जो तरह तरह का इसमें नाम दिया गया, उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम। तो सिंपली आप यहाँ पर चेक कीजिए, यदि आपका प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका भी नाम इसमें जरूर होगा, तो एक बार अपना लिस्ट को सर्च करके देख सकते हैं, अपना नाम को यहाँ पर टोटल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है टोटल 707 पेज लिखा हुआ है, इसमें जो टोटल 707 पेज है टोटल कैंडिडेट को, वैसे जो 707 पेजेस को कैंसिल किया गया है एनआईएस ने डीएलएड की ओर से, यानी कि इसमें जो है इसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो 10,000 से ऊपर कैंडिडेट को इसमें कैंसिल करके रखा हुआ है। तो 10,000 से ऊपर कैंडिडेट को यहाँ पर जो कैंसिल करके रखा हुआ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ रेफरेंस नंबर है, तो आप अपने नंबर को सर्च कीजिए। यहाँ पर देखिए पूरा चार्ट का चार्ट यहाँ पर पड़ा हुआ, सारा नंबर का नंबर यहाँ पर चार्ट पड़ा हुआ। तो यदि आपका भी अगर प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप इस नंबर को इस यहाँ पर आप देख जाकर चेक कर सकते हैं। आगे का वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका जो रेफरेंस नंबर का जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उसका पैसा किस तरह से आप वापस ले सकते हैं, किस तरह से उसका पैसा आपके पास किस तरह से करके पेमेंट आएगा। यदि वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और रिवीजन से लेकर किसी प्रकार का कोई समस्या तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें जो है यह समस्या, तो हम आपका सलूशन देंगे, जल्द से जल्द सलूशन देंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या है समस्या आपका, हम सलूशन करके देंगे। अगर किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, आप सभी को हमारे वीडियो को देखने के लिए हाथ जोड़कर हम धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू।